नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सहाचार्य समाजशास्त्र विभाग, मानकीलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन समाजशास्त्र बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो अपन पहले जो बातचीत कर रहे थे तथ्यों के स्रोत अर्थात सोर्सेज ऑफ डेटा के ऊपर बातचीत कर रहे थे, उसको पर आज कंटिन्यू करेंगे। तो मैं सोचता हूँ शायद आपको मैंने पूर्व में पढ़ाए गए फॉर्म्स ऑफ टाइप ऑफ डेटा, तथ्यों के स्वरूप के बारे में जो आपको पढ़ाया था वो मैं सोचता हूँ शायद समझ में आ गया होगा, जिसमें कि किस प्रकार के हमारे डेटा हो सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, और दोनों की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया था, जिक्र किया था। उसके बाद मैंने दोनों का कंपैरिजन करके भी समझाने का प्रयास किया कि दोनों जो डेटा हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं और क्या क्या सावधानियां हमें इसके अंतर्गत रखनी चाहिए डेटा कलेक्शन के समय, और प्रमुख अंतर वो मैंने आपको बता दिया था। परीक्षा में कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछने में आता है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इस प्रकार से आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद अपन बात करेंगे आज तथ्यों के स्रोत के बारे में कि तथ्यों के स्रोत किस प्रकार हैं और किन्हें माना जाता है। तो पहला हमारा है तथ्यों के स्रोत के अंतर्गत क्षेत्रीय स्रोत। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है, उसी दौरान अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची एवं साक्षात्कार आदि प्रविधियों के माध्यम से अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना होता है। इसके अंतर्गत जीवित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ये व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों के साथ साथ अवलोकन योग्य प्रवृत्तियों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का समुचित वर्णन प्रस्तुत करने की भी क्षमता रखते हैं। पीवी यंग ने क्षेत्रीय स्रोत की इकाइयों व्यक्तियों को व्यक्तिक स्रोत या प्रत्यक्ष स्रोत कहा है। प्रलेखीय या दस्तावेजी स्रोत ये वे प्रकार होते हैं जो कि प्रकाशित एवं अप्रकाशित दस्तावेजों, सांख्यिकी, हस्तलेखों, पत्रों, रिपोर्टों, दैनंदिनियों इत्यादि के रूप में उपलब्ध रहते हैं। प्रलेखीय स्रोतों का विभाजन एवं द्वितीयक की श्रेणियों में किया जाता है। इसको श्रीमती पीवी यंग ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सामान्यतः स्रोतों को क्षेत्रीय एवं प्रलेखीय स्रोतों में विभाजित किया जा सकता है। जॉर्ज लुंडबर्ग ने तथ्यों को दो प्रमुख निम्न स्रोतों का उल्लेख किया है। पहला ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेस। इनमें प्रलेख, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं एवं भूतत्वीय स्तर आदि सम्मिलित हैं। दूसरा क्षेत्रीय स्रोत, फील्ड सोर्सेज। इसमें जीवित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं एवं क्रियाशील व्यवहारों का प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल है। प्रोफेसर बेगले के अनुसार दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला प्राथमिक स्रोत, इसके अंतर्गत समस्या से संबंधित व्यक्ति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं, और दूसरा जो द्वितीयक स्रोत है इसके अंतर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं या अप्रकाशित प्रलेखों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान का विषय चूंकि मानव या मानव समूह से होता है, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, अतः हम उसके संबंध में तीन तरीके से सूचनाएं प्राप्त करते हैं या तथ्य एकत्रित करते हैं। हम व्यक्ति से स्वयं बातचीत करें, वार्तालाप करें, सीधे प्रश्न करें तथा विषय या समस्या से संबंध में उनके विचार या प्रतिक्रिया को जान लें। दूसरा, शोध विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह एवं संगठन के क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इस अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों को संकलित करें। तीसरा, शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें जो किसी अन्य अध्ययन का या शोध हेतु एकत्रित किए गए थे। तथ्य संकलन के उपरोक्त तीन स्रोतों की
प्रमुख दो स्रोतों को प्रमुख रूप से हम बांट सकते हैं, पहला प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा द्वितीयक सोर्सेज। अब हमारा आता है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी जो सोर्सेज है वो हैं वे मौलिक तथ्य होते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रथम बार तथ्यों का अध्ययन करता है। तो हमारे तथ्य संकलन के उपरोक्त दो स्रोतों ने विद्वानों को प्रमुख रूप से भागों में बांटा है, पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्य वे मौलिक तथ्य होते हैं जिनसे अध्ययनकर्ता प्रथम बार तथ्यों या जैसा कि मैंने आपको बताया था या विभिन्न जानकारी को संग्रहित करता है। इन्हें सामान्यतः क्षेत्रीय स्रोत भी कहा जाता है। पीवी यंग ने अनुसार प्राथमिक सामग्री उन सभी मौलिक सूचना या आंकड़ों में से हैं जिन्हें स्वयं अनुसंधानकर्ता प्राथमिक स्रोतों द्वारा प्राप्त करता है। वाटर एचमैन के अनुसार सॉरी पीटर एचमैन के अनुसार प्राथमिक स्रोत हमें प्रथम स्तर पर संकलन की गई सामग्री प्रदान करते हैं, अर्थात जिन लोगों ने उन्हें एकत्रित किया है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री का मौलिक स्वरूप है। आई ई चडक ने अपनी जो बुक है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में लिखा है कि प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जो प्रथम बार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्रदान करते हैं, जो पूर्व मैंने आपको बता चुका हूँ। तथा जब अपन ने डेटा के प्रकार बताए थे तो प्राथमिक और सेकेंडरी डेटा में, तथा जिन्हें संकलन तथा प्रचारण का उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति के अधिकार में होता है जिसने उसे मौलिक रूप से एकत्रित किया है। अपन बात करते हैं प्राथमिक स्रोत के प्रकार, प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत और अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा डायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेज और इनडायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेज। अब तथ्यों के स्रोत में जो हमारा प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत है उसमें प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के दो पार्ट हैं, अवलोकन और मौखिक छानबीन। जो अवलोकन है उसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, पहला सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। जबकि हमारी जो मौखिक छानबीन है ओरल इंक्वायरी है उसको प्रश्न अनुसूचियों में और साक्षात्कार के माध्यम से हम लोग डाटा कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और जो अप्रत्यक्ष स्रोत है इनडायरेक्ट जो सोर्सेज है उसमें क्या है, प्रश्नावली है, क्वेश्चनियर जो कि डाक द्वारा उत्तर भेजी जाती है, दूसरा टेलीफोनिकली इंटरव्यू दूरभाष साक्षात्कार के माध्यम से अपन डाटा कलेक्ट करते हैं, तीसरा दलीय पद्धति पैनल टेक्निक और चौथी रेडियो अफील के माध्यम से अपन लोग डेटा कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और जो दूसरा जो द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत है सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो दो प्रकार के हैं, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो हमारा व्यक्तिगत प्रलेख है उसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले उसके अंदर लाइफ हिस्ट्री जीवन इतिहास, डायरीज, पत्र लेटर्स और संस्मरण। और जब हम सार्वजनिक प्रलेख की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत प्रकाशित और अप्रकाशित दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रकाशित को अगर अपन क्लासिफाइड करेंगे तो उसमें दो प्रकार के स्रोत हैं, पहला विभिन्न प्रतिवेदन और अन्य स्रोत। विभिन्न प्रतिवेदन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग, परिषदें तथा समितियां और शोध संस्थान इत्यादि। और अन्य स्रोत के बारे में जब बात करते हैं तो सरकारी गजेटियर, पुस्तकें, संदर्भ सूचियां, आंकड़ों के बुलेटिन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। और अप्रकाशित जो हमारे प्रलेख हैं उसमें है सरकारी कार्ड, दुर्लभ हस्तलेख और शोध प्रतिवेदन। इस प्रकार के ये प्राथमिक और सेकेंडरी हमारे जो सोर्सेज हैं डाटा के वो हमारे सामने, जिनके माध्यम से हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अध्ययनकर्ता और सामाजिक घटना दोनों एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं, है ना, कि जिसमें जो प्राइमरी डाटा जब कलेक्ट करने अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाते हैं तो उसके सामने जो हमारा उत्तरदाता होता है वह बैठा रहता है और जो अनुसंधानकर्ता होता है वो उनसे सूचना कलेक्ट करने का प्रयास करता है। दोनों आमने सामने की स्थिति में होते हैं। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अध्ययनकर्ता एवं सूचनादाता मौलिक रूप से एक दूसरे के आमने सामने की स्थिति में नहीं होते। तो पहला हमारी बात करते हैं प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत डायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेज। जो प्रत्यक्ष स्रोत सामान्यतः वे होते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता मूर्त घटनाओं को स्वयं
अपने सम्मुख घटित होते हुए देखते हैं, ठीक है। अथवा अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित जानकारी को अवलोकित एवं एकत्रित करता है। पीएच मान के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययनकर्ता के लिए देखना और सुनना दो प्रमुख कार्य हैं। प्रत्येक प्राथमिक स्रोत के दो प्रमुख भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन जिसको हम लोग अवलोकन कहते हैं, और दूसरा साक्षात्कार या मौखिक छानबीन इंटरव्यू और ओरल इंक्वायरी। तो सबसे पहले अपन अवलोकन की बात करेंगे। अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर पहुंचकर घटनाओं को दशाओं वस्तुओं रीति रिवाजों एवं व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखता है, तटस्थ होकर उसका अवलोकन करता है और इस आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रविधि का सफल प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। अवलोकन जैसा कि पहले पूर्व में आपको बताया कि तीन प्रकार के होते हैं, सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और तीसरा असहभागी अवलोकन। तो पहले अपन बात करेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें जो अध्ययनकर्ता होते हैं वह स्वयं उस घटना में सम्मिलित होकर पूर्णतया भाग लेते हैं, पूर्णतया पार्टिसिपेट करते हैं तथा उसी स्थिति में अपने अन्य साथियों जैसा ही आचरण एवं व्यवहार करते हैं। वहाँ वह अन्य भागीदारों के ही समान होते हैं और उन सारी घटनाओं को स्वयं इन्वॉल्व होते हुए उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा अर्ध सहभागी अवलोकन कौसी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें अवलोकनकर्ता पूर्णतया भागीदार न बनकर आवश्यकता अनुसार कुछ सीमा तक स्वयं ही सम्मिलित हो जाता है तथा कुछ दशाओं में वह अपने को पृथक रखता है ताकि वह अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को समझ सके। असहगामी अवलोकन, इसमें शोधकर्ता घटनाओं व कार्यक्रमों में स्वयं किसी भी स्तर पर या किसी भी सीमा तक सम्मिलित नहीं होता बल्कि उसकी केवल एक परिचित अथवा अज्ञात दर्शक की ही स्थिति बनी रहती है। साक्षात्कार या मौखिक छानबीन इंटरव्यू और ओरल इंक्वायरी, जैसा कि स्पष्ट है पहले अपन ने पढ़ा था अवलोकन, उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरा साक्षात्कार या मौखिक छानबीन इंटरव्यू और ओरल इंक्वायरी। इसमें अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता के आमने सामने के संबंधों पर आधारित विधि द्वारा बातचीत करके जानकारी एकत्रित की जाती है तथा अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। यह सूचना सामान्यतः साक्षात्कार एवं अनुसूची दो विधियों से प्राप्त करते हैं। पहला साक्षात्कार इंटरव्यू, यह प्राथमिक सूचना प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करके बातचीत द्वारा संबंधित तथ्यों को प्राप्त करता है। इसमें अध्ययनकर्ता अनुसूची या साक्षात्कार प्रदर्शी का इंटरव्यू गाइड की सहायता ले सकता है। वह मुक्त वार्तालाप के माध्यम से भी तथ्य संकलित कर सकता है। स्थान, परिस्थितियां, समुदाय के लोगों की प्रकृति इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ही इसे एक पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा शेड्यूल, अनुसूची में प्रश्न एवं खाली सारणियां दी हुई होती हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाताओं के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछकर उत्तर एवं अनुसूचियों में भर देता है। अनुसूची का उद्देश्य सूचनादाताओं से उत्तर पाकर अनुसंधान में वैश्विकता लाना है। यह सूचना प्राप्ति का विश्वसनीय स्रोत है। इस विधि की सहायता से अनुसंधानकर्ता को घटनाओं का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। वह विधि अशिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने में भी उचित हो सकती है। कल अपन पढ़ेंगे इसी को कि कंटिन्यूटी में करते हुए प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत डायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेज किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।